को उतारती है, लेकिन उतारने से पहले कम से कम किसी का नाम पार्टी की तरफ से तमाम मीटिंग्स के जरिए राय सलाह लेकर के पहले उस नाम को पुख्ता तौर पे डन कर लिया जाता है, उसके बाद उसको नामांकन दाखिल किया जाता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक एक सीट को लेकर के मुकाबला बेहद कड़ा है, ऐसे में भाजपा ने साफ तौर पर मुलायम सिंह के सामने अब तक किसी प्रत्याशी को खड़ा करने का मन नहीं बनाया है, एक तरह से उन्हें सेफ पैसेज दे दिया है। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि उनको दिया गया है तो एक तरीके से वॉकओवर दे दिया गया है। सीधे तौर पर उनको जीत के लिए जो है वो प्रत्याशी ना उतारने की जो बात है, जो आप कह रहे हैं कि सुखबुगाट होती है, किसी के नाम की चर्चा होती है, लेकिन अभी तक इस सीट से किसी भी नाम की चर्चा नहीं, किसी प्रत्याशी की चर्चा नहीं है बीजेपी के द्वारा। लेकिन माना जा रहा है अगर बीजेपी उतारेगी भी तो कोई कमजोर कैंडिडेट उतार सकती है, ताकि जो वहाँ पर वर्तमान की स्थिति में मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव को एक रिटर्न गिफ्ट जो मिला है उसमें भारी बहुत से जीत का पैमाना वो छू सके वो मुलायम सिंह यादव। तो ये जो सिचुएशन इस समय वर्तमान की, तो इसमें पूरा यही हाल है कि अभी तक बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। ये माना जा रहा है कि अब जो है एक रिटर्न गिफ्ट के साथ साथ ये कहें कि जो मुलायम सिंह यादव ने तस्वीर देखी 2019 के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री ने उनको ये पूरा तोहफा दिया है। अभी तक अगर उतार दिया जाता है तो जाहिर सी बात है ऐसे कैंडिडेट तो उनके आगे चुनौती नहीं दे सकता हो। जी आपका तो जो